नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बुरे दिन चल रहे हैं और उन्हें उनके बेटे बेटी राघौगढ़ के किले में तक प्रवेश नहीं करने देते हैं। ये बातें प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखी है। आशीष अग्रवाल यही नहीं रुके, उन्होंने अपने ट्वीट में दिग्विजय सिंह पर और भी कई हमले बोले हैं। बता दें कि दिग्विजय सिंह के द्वारा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा को लेकर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर एमपी की सियासत में बवाल मचा हुआ है और भाजपा लगातार दिग्विजय पर हमले कर रही है। मध्य प्रदेश भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने दिग्विजय सिंह पर करारा हमला बोला है। आशीष अग्रवाल ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है, दिग्विजय सिंह के बुरे दिन देखिए। कांग्रेस कार्यालय के अंदर प्रेस वार्ता करने की अनुमति नहीं मिली। बौखलाहट में सुर्खियां बटोरने के लिए शब्दों की मर्यादा भी तोड़ गए आतंकियों के पैरोकार मिस्टर बंटाधार। 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार, जो पर्दे के पीछे आप जैसा रेत मफिया शराब माफिया चलाता हो, उसे गिराने का कार्य अगर किसी की अध्यक्षता में हुआ है तो वो है विष्णुदत्त शर्मा। 2023 विधानसभा चुनाव में 163 सटों की प्रचंड विजय दिलाने और कांग्रेसियों को हराने का कार्य अगर किसी अध्यक्ष ने किया है तो वो है विष्णुदत्त शर्मा। लोकसभा चुनाव में सभी 29 सीटों पर ऐतिहासिक विजय और कांग्रेस का प्रदेश से सफाया करने का लक्ष्य जिस अध्यक्ष ने प्राप्त किया वो है विष्णुदत्त शर्मा। इसके अतिरिक्त ऐसे अनेक उदाहरण है जहां दिग्विजय सिंह जैसा असफल एवं अलोकप्रिय नेता राजनैतिक पुरुषार्थ में अत्यंत सूक्ष्म और बौना ही साबित होगा। और हाँ, संलग्न वीडियो पुन सुन लेना जो आपके आतंकियों की हिमायत और कदमताल वाले कुरूप चरित्र को सार्वजनिक और प्रमाणित करते हैं। वो कौन सा चाल चेहरा और चरित्र है जिस कारण आपके बेटे और बेटी आपको राघौगढ़ किले में प्रवेश नहीं देते हैं? इसलिए दिग्विजय सिंह, ज्यादा मुंह मत खुलवाओ, अपने स्तरहीन शब्दों के लिए सार्वजनिक माफी मांगो। इसके बाद आशीष अग्रवाल ने एक शायरी भी लिखी है, साथ ही किसी शायर के इस शेर पर गौर भी फरमा लो। दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम तो बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती। देने को मैं भी दे सकता हूँ गाली उसे, मगर मेरी तहजीब मुझे इजाजत नहीं देती।